हे गाइस, तो आईफोन 14 सीरीज जब लॉन्च हुआ तो एप्पल ने अपने प्रो मैक्स एंड प्रो सीरीज के अंदर डायनामिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस किया। एंड इसके बाद क्या होना था, ये कुछ ही दिनों में एंड्रॉयड डेवलपर्स ने इसे डेवलप कर दी। एंड डे बाय डे जो डायनामिक आइलैंड का फीचर है ये इम्प्रूव होता हुआ आ रहा है। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुआ है, लेकिन आज जो ये वीडियो है या फिर आज जो मैं इस डायनामिक आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एंड काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पे डायनामिक आइलैंड का फीचर काम करता है। अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो तो उस टाइम पे डायनामिक आइलैंड का फीचर काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट लाइक एप्पल की तरह ही सेम जो एनिमेशन से वो भी हमें देखने को मिलता है। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर आप इसे टैप करते हो तो सॉन्ग को आप यहीं से फॉरवर्ड बैकवर्ड प्ले पोज ये सारी चीज़ें कर पाओगे। एंड यही नहीं, अगर आप इसे लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आप यहां पे देख सकते हो। सेम उसी तरह से अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो स्क्रीनशॉट होगा इस तरह से। एंड इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाओगे तो उस टाइम पे डायनामिक आइलैंड का फीचर आपको देखने को मिलेगा कि कितना परसेंट चार्ज है, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी मैसेजेस आता है, कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई भी टेलीग्राम पे मैसेजेस आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उस टाइम पे भी ये डायनामिक आइलैंड काम करेगा। तो इन सारे फीचर्स का आनंद आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में भी उठा सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता कौन से ब्रांड का आपके पास फ़ोन है। अगर आपके पास एक 5000 का भी फ़ोन है एंड्रॉयड, तो उसमें भी आप इन फीचर्स का आनंद उठा सकते हो। इसके लिए सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को डायनामिक आइलैंड लिख के सर्च करना है। सबसे पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिखेगा ग्रीस मोबाइल की तरफ से 4.9 MB के आसपास इस ऐप का साइज है। आप लोगों को सिंपली इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस है तो आप ध्यान से देखो वीडियो को, अदरवाइज आपके फ़ोन में ये काम नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे सेटिंग्स है जो आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद करना होगा, इसके बाद ही आप इन फीचर्स का आनंद उठा सकते हो। तो एप्लीकेशन जैसे ही आपका इंस्टॉल्ड हो जाता है सिंपली आपको इसे ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले टर्न ऑन करना है एंड जैसे आप लोग ओके पे टैप करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एक्सेसिबिलिटी मेनू में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे एकदम नीचे आप लोगों को डाउनलोडेड ऐप्स दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डायनामिक आइलैंड दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को ऑन कर लेना है। यहाँ पे 10 सेकंड तक आपको वेट करना हो सकता है अगर आपके पास कोई भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco का स्मार्टफोन है। एंड 10 सेकंड हो जाने के बाद यहाँ पे टिक करना है एंड ओके ये ऑप्शन हो गया। यहाँ से बैक करना है, देन आपको नोटिफिकेशन में क्लिक करना है, यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है ओके। एंड यहाँ पे फिर से आप डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर भी आपको डायनामिक आइलैंड जो अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है उसके अंदर आना है एंड यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी अगर आपके पास Xiaomi, Redmi, Poco का स्मार्टफोन है तो 10 सेकंड तक आपको वेट करना हो सकता है। नाउ यहाँ पे मार्क ओके, यहाँ सभी बैक। नाउ यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिलता है डिलीट नोटिफिकेशन का। तो अगर आप यहाँ से भी टैप कर देते हो तो देन आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लिक करते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हो यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हो। नाउ डिस्प्ले के ऊपर आना है एंड यहाँ पे आप अलाउ मूव कर सकते हो ताकि आप इसे हैंड में इस तरह से मूव कर सको, अदरवाइज आप अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो ये दो विथ एंड हाइट का जो स्लाइडर है इसकी मदद से आपका जो कैमरा कटआउट है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो परफेक्टली ये फिट हो गया। अभी आप इसे अलाउ मूव को ऑफ कर दो ताकि अगर आप इस डायनामिक आइलैंड को यूज़ करो तो ये फिर से मूव वगैरह ना हो जाए एक्सीडेंटली टच होके। नाउ यहाँ से बैक करना है। अभी जेस्चर एंड लेफ्ट स्वाइप करने पर आप क्या फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हो, वॉल्यूम डाउन या फिर लॉक स्क्रीन, टेक स्क्रीन शॉट या फिर कोई भी नहीं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। तो लाइक मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट सेट कर देता हूँ। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करूँगा स्क्रीनशॉट आ गया।
तो इस तरह से आप ये चीज़ सेट करके रख सकते हो। देन स्वाइप राइट में आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम आप रहने देते हैं इसे, देन कैंसिल एंड यहाँ से बैक कर देते हैं। अभी इसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तो अगर आप अभी कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ। म्यूजिक प्लेयर को ओपन करके एक कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। एंड नाउ यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, एकदम सेम जिस तरह से आपको आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स में देखने को मिलता है, स्लाइडर के साथ या फिर इस तरीके की एनिमेशन के साथ म्यूजिक में, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इस डायनामिक आइलैंड में भी देखने को मिलता है। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाओगे तो उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे डायनामिक आइलैंड का फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग एनिमेशन आ गया। एंड इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी व्हाट्सएप चैट आता है, कोई भी टेलीग्राम में मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको इस डायनामिक आइलैंड में देखने को मिलेगा। और गाइज ये फीचर कॉलिंग के टाइम भी काम करेगा, तो अगर कोई कॉल आता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ और डाउट्स है, क्वेरीज है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।